नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। करीब 11 साल पहले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए निकाली गई 72,825 प्रसूति शिक्षक भर्ती के तहत दिसंबर 2012 में दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगार युवक युवतियों की 26 जिलों में फीस वापसी अभी तक फंसी हुई है। हाईकोर्ट ने 3 माह में फीस वापसी के आदेश दिए थे और यह मियाद 30 जनवरी 2024 को पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से बीती 27 जनवरी को संबंधित जिलों के डायट प्राचार्यों और बीएसए से निर्धारित प्रारूप पर 30 जनवरी तक सूचना मांगी गई थी, ताकि हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर के अनुपालन में सभी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की वापसी की जा सके। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अभ्यर्थियों के 2,89,98,54,400 रुपए की फीस वापसी को लेकर अफसरों ने सक्रियता जरूर बढ़ाई थी, लेकिन कई जिलों ने लापरवाही की और दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद भी इन जिलों से आवश्यक सूचनाएं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई गई। हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर के अनुपालन में सभी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की वापसी के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 3 माह के अंदर फीस वापसी का हलफनामा भी दिया गया था। इससे पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय से 14 सितंबर 2023 को जारी पत्र के अनुसार 22 दिसंबर 2023 तक वांछित सूचनाएं मांगी गई थी। कई जिलों से आई सूचनाओं में अभ्यर्थियों की श्रेणी, आवेदन शुल्क, आईएफएससी कोड, बैंक खाता नंबर ना होने के कारण इन जानकारियों सहित दोबारा अपडेट की हुई सूचनाएं मांगी गई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। सीतापुर, बहराइच, बरेली, बदायूं, कानपुर नगर, मऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हमीरपुर, रामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, संभल, चंदौली, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर और लखनऊ से तय समय सीमा तक आवश्यक सूचनाएं नहीं मिल सकी। बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इन सभी जिलों के डायट प्राचार्य और बीएसए को चेतावनी दी है कि वांछित सूचना न मिलने के कारण हाईकोर्ट को सूचित किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। आपको बता दें कि 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का दूसरा विज्ञापन अखिलेश सरकार में जारी किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन एकेडमिक मेरिट के आधार पर किया जाना था, जबकि इससे पूर्व 2011 में मायावती सरकार में पहला विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें टेट के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण भर्ती पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद 2012 में सपा की सरकार आने के बाद पहले विज्ञापन के बजाय दूसरा विज्ञापन जारी किया गया। दूसरे विज्ञापन के आधार पर काउंसलिंग भी शुरू हुई, लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पहले विज्ञापन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। दूसरे विज्ञापन में अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया था, उसी भर्ती का करीब 3 अरब रुपये की फीस वापसी का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन कई जिलों में फीस वापसी अब भी फंसी हुई है। इसके अलावा तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी दूसरे विज्ञापन की बहाली के लिए लगे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने फीस वापसी के लिए आवेदन नहीं किया है, क्योंकि फीस वापसी के बाद उनकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।